हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था तो किन पर लागू हुआ था, तो ये किसानों पर लागू हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है एम एन राय ने, बी ऑप्शन है पी एन राय ने, सी ऑप्शन है पीसी राय ने, डी ऑप्शन यहां पे एके सेन ने। तो यहां पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो एम एन राय जी ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। ए ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, डी ऑप्शन यहाँ पे 1857 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1786 ईस्वी में किया गया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ ये पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है खनिज उत्पादन, डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि सिंदरी कहां स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहां पे आपको बताना है कि सिंदरी कहां है, तो ये झारखंड में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 22। तो यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1926 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था, तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो ये किए थे 1916 ईस्वी में। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दस नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ए ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा ने, बी ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह ने, सी ऑप्शन है मजरुल हक ने, डी ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो रामकृष्ण वर्मा ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1881 में, डी ऑप्शन है 1911 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और आपका टारगेट कितना का होना चाहिए, तो 70+ का टारगेट होना चाहिए, तो ये टारगेट लेके इस मॉडल पेपर को आप लोग सोल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ए ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन ने, बी ऑप्शन है लुई ब्लॉन्क ने, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो लुई ब्लॉन्क ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन 1848 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1885 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहां पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। ए ऑप्शन 100 वर्ष, बी ऑप्शन है 200 वर्ष, सी ऑप्शन है 400 वर्ष, डी ऑप्शन है 800 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, तो कितना पुराना है, तो 200 वर्ष पुराना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है कि सामंत व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ए ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है आक्रामक प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है शोषण कारी प्रवृत्ति। तो यहां पर आपको बताना है कि सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1952 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1990 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक में, सी ऑप्शन है 1960 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो यहां पर आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। तो ये एक बार रिपीट हो गया है, तो ये किसने किया था, तो रामकृष्ण वर्मा ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहां हुई। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रथम मिल
मिल, यहाँ पे देखिए प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुआ था जर्मनी में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर की 1967 तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा। ए ऑप्शन है स्वर्ण का, बी ऑप्शन है निम्न जाति का, सी ऑप्शन है अनुसूचित जाति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा, तो स्वर्णों का रहा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। ए ऑप्शन है ज्योतिबा फुले का, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी का, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है, तो ज्योतिबा फुले का भी है, महात्मा गांधी जी भी का है, और यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी है, यानी सभी का है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में हुआ है। ए ऑप्शन है संघीय सूची में, बी ऑप्शन है राज्य सूची में, सी ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो 3 सूचियों में हुआ है, और वो 3 सूचियां कौन कौन है, तो संघीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, यानी यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। ए ऑप्शन यहां पे देखिए संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करता है, बिल्कुल गलत बात है। बी ऑप्शन यहां पे देखिए संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसिक सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा संस्कृति और दूसरे धर्म पर लाद दिया जाए। तो बिल्कुल ये सही बात है, यहां पे सी ऑप्शन है सभी गलत है, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे केवल बी वाला ऑप्शन जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। ए ऑप्शन है आप देखिए 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1958 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1962 में, डी ऑप्शन है 1968 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई, तो 1958 ईस्वी में की गई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था में, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था में, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों दोनों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी पर। तो यहां पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1992 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 2004 ईस्वी में। तो यहां पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर
तीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? ए ऑप्शन है तानाशाही, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है गैर लोकतांत्रिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है, तो लोकतंत्र में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, ए ऑप्शन है अनु उत्तरदायी, बी ऑप्शन है गैर जवाबदेह, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए उत्तरदायी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल ये सही बात है। बी ऑप्शन है यह एक धर्म को यहाँ पे राजकीय धर्म बताता है बनाता है, बिल्कुल ये गलत बात है। यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, ये भी गलत बात है। डी ऑप्शन है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये ए वाला कथन सही है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाए, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि जनरल पिनो से किस सरकार का संबंध किससे है? यहाँ पे आपको बताना है कि जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है घाना से, बी ऑप्शन है इराक से, सी ऑप्शन है चिली से, डी ऑप्शन है जर्मनी से। तो किससे संबंधित है, तो चिली से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। चिली क्या है, देश है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ए ऑप्शन है घाना के, बी ऑप्शन है नेपाल के, सी ऑप्शन है म्यांमार के, डी ऑप्शन है यहाँ पे बोलीविया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो बोलीविया के बने, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर कि श्रीलंका में संघर्ष है, ए ऑप्शन है लिट्टे एवं सरकार के बीच, बी ऑप्शन है यहाँ पे उल्फा एवं सरकार के बीच, डी ऑप्शन है नक्सली एवं सरकार के बीच, डी ऑप्शन है यहाँ पे उल्फा एवं लिट्टे के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका में संघर्ष है, तो लिट्टे एवं सरकार के बीच है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो क्या है, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 को, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1868 में, सी ऑप्शन है 1928 में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 39 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1868 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? ए ऑप्शन है आय विधि, बी ऑप्शन है आप देखिए उत्पादन विधि, सी ऑप्शन है व्यय विधि, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं, तो ये सभी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर की आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 41 नंबर की आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। ए ऑप्शन है बचत, बी ऑप्शन है विनियोग, सी ऑप्शन है यहाँ पे उपभोग की वृद्धि, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न है कि साख के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? ए ऑप्शन है विश्वास, बी ऑप्शन है चरित्र, सी ऑप्शन है चुकाने की क्षमता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साख के निम्नलिखित में कौन से आधार हैं, तो ये सभी हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, 43 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संस्था है? ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है सहकारी बैंक, यहाँ पे सी ऑप्शन है व्यापारी, डी ऑप्शन है सेठ साहूकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय साधन है, तो सहकारी बैंक है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, 44 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया करवाता है? ए ऑप्शन है ट्रैक्टर, बी ऑप्शन है पावर प्लांट के लिए, सी ऑप्शन है पंपिंग सेट के लिए, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया करता है, तो किसके लिए करता है, ट्रैक्टर के लिए भी करता है, पावर प्लांट के लिए भी करता है, पंपिंग सेट के लिए भी करता है, यानी यहाँ पे सभी के लिए करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि बिहार एक राज्य है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है पशुपालन प्रधान, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए खनिज प्रधान देश, डी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार एक राज्य है, तो बिहार जो राज्य है ये कृषि प्रधान राज्य है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारत है ये क्या है, ये भी कृषि प्रधान देश है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, 46 नंबर प्रश्न कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है? ए ऑप्शन है पूंजी, बी ऑप्शन है वस्तु, सी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी एवं विचार, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है, तो सभी के प्रवाह से है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन है उदासीनीकरण का, बी ऑप्शन है निजीकरण का, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण का, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण का भी किया गया है, निजीकरण का भी किया गया है, वैश्वीकरण का भी किया गया है, यानी सभी का किया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर
51 नंबर प्रश्न है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह, डी ऑप्शन है हरा ग्रह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर की एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है, तो बॉक्साइट का पड़ता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1965 में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 54 नंबर कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है जिप्सम, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है प्लमबर्ग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लमबर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है पेरिस में, बी ऑप्शन है स्टॉकहोम में, सी ऑप्शन है मास्को में, डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। ए ऑप्शन है सिंचाई की व्यवस्था करना, बी ऑप्शन है बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन करना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो ये तीनों था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 57 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ए ऑप्शन है बैल, बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन है भालू, डी ऑप्शन है बाघ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो भारत है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है सीमेंट, सी ऑप्शन है उर्वरक, डी ऑप्शन है लौह इस्पात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है, तो कौन कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, जो कृषि से कौन सा उद्योग संबंधित है, तो जूट उद्योग संबंधित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार में यहाँ पे पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बरौनी में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है भागलपुर में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 61 नंबर कि बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है, तो बरौनी में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर कि रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है भागलपुर में, डी ऑप्शन है लखनऊ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशमी वस्त्र का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो भागलपुर में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर
कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सूरत को, बी ऑप्शन है गांधीनगर को, सी ऑप्शन है मुंबई को, डी ऑप्शन है अहमदाबाद को। तो यहां पे आपको बताना है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो सूरत को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर, कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ए ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली, बी ऑप्शन है दिल्ली एवं मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता एवं चेन्नई, डी ऑप्शन है दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता और दिल्ली में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर, 65 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस ने को इंडियन नाम दिया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ए ऑप्शन है 2006 में, बी ऑप्शन है 2003 में, सी ऑप्शन है 2008 में, डी ऑप्शन है 2005 में। तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो 2005 ईस्वी में दिया गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर, 66 नंबर प्रश्न है निम्न में से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ा है? ए ऑप्शन है मुंबई और नागपुर, बी ऑप्शन है यहाँ पे सिलचर और पोरबंदर, सी ऑप्शन है मुंबई और कोलकाता, डी ऑप्शन है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं, तो सिलचर और पोरबंदर जुड़े हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर, 67 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? ए ऑप्शन है बेतिया, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, सी ऑप्शन है मोतिहारी, डी ऑप्शन है छपरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, तो वाल्मीकि नगर में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर, कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? ए ऑप्शन है पूर्णिया, बी ऑप्शन है सीवान, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर, कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है शाहपुर में, डी ऑप्शन है गया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर, 70 नंबर प्रश्न की अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित शहर था? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है मुंगेर, सी ऑप्शन है टाटा नगर, डी ऑप्शन है यहाँ पे गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन था? तो टाटा नगर था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर, 71 नंबर प्रश्न है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 71 नंबर। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी पश्चिमी की ओर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर, कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? ए ऑप्शन है फ्लोराइड का, बी ऑप्शन है क्लोराइड का, सी ऑप्शन है आर्सेनिक का, डी ऑप्शन है लौह का। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर, कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 25%, डी ऑप्शन है 7%। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव है, तो 7% है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर, कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ए ऑप्शन है संसाधनों का संग्रह से, बी ऑप्शन है संसाधनों का अनियोजित विध्वंस से, यहाँ पे सी ऑप्शन है संसाधनों का नियोजित दोहन से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधनों का अनियोजित दोहन से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर,
75 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है पुनःपूर्ति योग्य, बी ऑप्शन है मानवकृत, सी ऑप्शन है अजैव, डी ऑप्शन है अचक्रीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनःपूर्ति योग्य है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 76 नंबर की सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, बी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, सी ऑप्शन है द्वीपों पर भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 77 नंबर कि सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है। ए ऑप्शन है अचानक, बी ऑप्शन है यहाँ देखिए पूर्व सूचना के अनुसार, सी ऑप्शन है धीरे धीरे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो धीरे धीरे आती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति पर क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, बी ऑप्शन है दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, बी ऑप्शन है आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ए ऑप्शन है दूर संचार के लिए, बी ऑप्शन है मौसम विज्ञान के लिए, सी ऑप्शन है संसाधनों की खोज के लिए, डी ऑप्शन है दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये मॉडल पेपर। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आपको मॉडल पेपर पढ़ना है तो हमें कॉमेंट करके जरूर नीचे बताइएगा कि सर सभी विषयों का मॉडल पेपर पढ़ना है, सर जल्दी कराइए, तो हम यहाँ पे एक मॉडल पेपर का अलग से यहाँ पे बैच को स्टार्ट करेंगे। तो जितना ही जल्दी हो सके आप लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न की कोयला कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 4। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप यहां पे कमेंट करते हैं कि सर मॉडल पेपर पढ़ना है कराइए, तो हम जरूर यहां पे आपके लिए मॉडल पेपर यहां पे करवाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।